तो हम भाई ईद मलाद इसलिए नहीं मनाते क्योंकि इसकी दलील न अल्लाह से मिलती है न रसूलुल्लाह से मिलती है, इसकी दलील काफिरों से मिलती है, ये काफिरों की मुशाबियत है। मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल से कहीं भी ईद मिलाद मनाने की दलील मिलती है। हाँ, जो मुशरिकीन है यानी बर्थडे सेलिब्रेट करना अपने पेशवाओं का, ये दूसरे मजहब के लोगों का काम है। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू राम जो है वो उनका जन्मदिन मनाते हैं, बल्कि खुद ईसाई जो क्रिसमस मनाते हैं इसकी भी कोई दलील जो है वो हजरत ईसा से नहीं मिलती है। हजरत ईसा ने भी अपना मीलाद मनाने का कहीं पर हुक्म नहीं दिया, बल्कि बाइबल में जो बर्थडे सेलिब्रेट करने की जो दलील मिलती है सबसे पहले फिरौन से मिलती है। मैंने जैद भाई को एक शेयर कर देना बेहतर है। बर्थडे मनाने का सबूत खुद हजरत ईसा से भी नहीं मिलता, यानी जो क्रिश्चियन है इन्होंने दीन नसारा में अपने नबी की मिलाद मनाने की बिदत ईजाद कर दी। उनके यहां भी ये बिदत है क्योंकि हजरत ईसा ने भी अपना बर्थडे ना सेलिब्रेट किया है ना अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया है, बल्कि सबसे पहले जो बर्थडे सेलिब्रेट किया है बाइबल में जिसका जिक्र मिलता है वो फिरौन है। देखिए वो सामने आपके मौजूद है, यानी सबसे बाइबल में सबसे पहले बर्थडे और मिलाद मनाने का सबूत फिरौन से मिलता है। तो हम इसलिए भी ईद मिलाद नहीं मनाते क्योंकि ईद मिलाद मनाना, अपने नबी की मिलाद मनाना, अपने नबी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये कुफार की मुशाबियत है। ये लोगों ने काफिरों से सीखा है, मुसलमानों में इसका मिजाज कहीं नहीं पाया जाता। तो नबी से जो सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो नबी की मोहब्बत नबी की इत्तेबा में दिखनी चाहिए, नबी की मोहब्बत इब्तिदा में नहीं दिखनी चाहिए। हम जो नबी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं तो नबी के दीन को माने, नबी के दीन को फॉलो करें। नई नई चीजें ईजाद कर लेना ये नबी की मोहब्बत नहीं, ये नबी से बगावत है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवी के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवी से कहा कि भाई अल्लाह के नबी सल्लम, आखिरी बात में बोलता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लम क्या अमल करते हैं, कितना अमल करते हैं। तो अज़वाज मुतहररात ने बताया अल्लाह के नबी ये अमल करते हैं। हदीस में आता है फका अन्नहुम तुकालूहा, उनको लगा कि ये बड़ा कम अमल है। तो इनमें से एक ने कहा मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा और सोऊंगा नहीं, एक ने कहा कि मैं पूरा दिन रोजे रखूंगा किसी दिन बगैर रोजे के नहीं रहूंगा, एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा। ये सब नेकी के काम थे भाई, कौन बदबख्त इन आमाल को बिदअत सैया बोल सकता है। ये नमाज पढ़ना चाह रहे थे, ये रोजा रखना चाह रहे थे, ये शादी नहीं करना चाह रहे थे ताकि वो जिंदगी भर अल्लाह की इबादत में लगे रहें। पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली, अल्लाह के नबी गुस्सा हो गए और अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हाल है कि मैं तुमसे ये बातें सुन रहा हूँ। हाँ, और ये फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखने वाला हूँ, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रात में सोता भी हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, किसी दिन नहीं भी रखता, और मैं शादियां करता हूँ। फमन रगीब अन सुन्नती फलेसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत छोड़ दे वो मेरे तरीके पर नहीं है। नबी से मोहब्बत करने वाला वो है जितनी नबी ने ईदें मनाई वो इतनी ईदें मनाता है, वो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। हमसे अल्लाह के नबी से आगे बढ़ने का हुक्म नहीं दिया कि नबी ने दो मनाई तो हम तीन मनाएंगे, हम चार मनाएंगे। हमको नबी के पीछे चलने का हुक्म दिया, नबी ने दो मनाई हम भी दो मनाएंगे। और पूरे हम स्ट्रीम में मौजूद हैं, कोई एक सही दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के नबी के सहाबा से ला करके पेश कर दे कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के सहाबा ने ईद मिलाद बनाई है। इंशाअल्लाह ताला शहर मुंबई में सबसे बड़ा जुलूस अहले हदीसों का ही निकलेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अहले हदीस से ज्यादा कोई सुन्नत की इत्तेबा करने वाला नहीं है। हम तो छोटी छोटी सुन्नतों पे लोगों से लड़े रहते हैं रफले दिन आमिल बिन जार पर, हमसे ज्यादा कौन अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो करने वाला है। एक दलील सिर्फ चाहिए, एक दलील इंशाअल्लाह ताला। बहुत बेहतरीन इन्विटेशन और चैलेंज दिया शेख सरफराज ने, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे की स्ट्रीम है और हो सकता है मौजू अगले हफ्ते भी कंटिन्यू हो। तो आप सबके लिए खास तौर से अगर कोई हमारे मौकिफ के मुखालिफ हो वो जरूर आए स्टूडियो में ज्वाइन करें, बैक स्टेज ज्वाइन करें, और जो लोग अभी है भी वो लोग भी अगर कोई हमारे मुखालिफ है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोज आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।